यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए सबसे भयावह खतरा बन चुका है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक होने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी लीक हो चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी पत्रिका में यह रिपोर्ट छापी गई है। इस रिपोर्ट की माने तो अमेरिका रूस पर पर्ल हार्बर जैसे हमले का प्लान बना चुका है। देखिए क्या है अमेरिका का प्लान और रूस का कैसे काउंटर अटैक कैसे धरती के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। धरती पर सबसे बड़े संकट की TV9 भारतवर्ष वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इससे बड़ा वैश्विक संकट कभी नहीं छाया। इस संकट की वजह बना है रूस यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अमेरिका को मन मुताबिक नतीजे ना मिल, यूक्रेन युद्ध में उतरने के पीछे अमेरिका की मंशा थी रूस की सैन्य शक्ति घटाना, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करना, यूक्रेन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाना। लेकिन पुतिन ने दांव उलट दिया। सैन्य शक्ति आपूर्ति के लिए ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन तैयार किया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस का वैश्विक कारोबार जारी रहा। पुतिन ने लाल सागर और अरब के मोर्चे पर अमेरिका को फंसा दिया। अब अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की प्लानिंग तैयार की है। ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमेरिका ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए सहयोगी देशों की एक टास्क फोर्स तैयार की है। अमेरिका के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशनल फोर्स रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर ग्लोबल स्ट्राइक कर सकती है। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स में 13 से ज्यादा देश हो सकते हैं। हर देश को रूस के एक टारगेट पर हमला करने का मिशन दिया गया है। हर ठिकाने पर एक साथ अचानक हमला किया जाएगा। फाइटर जेट मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली लीक रिपोर्ट के मुताबिक नाटो देश पहले रूस की घेराबंदी करके युद्ध अभ्यास करेंगे और अचानक एक साथ हमला किया जाएगा। रूस के दावे में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि रूस के बॉर्डर पर नाटो के 21 देशों ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। नॉर्वे में नाटो देशों की सेनाओं ने नॉर्डिक रिस्पॉन्स युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। फिलहाल युद्धाभ्यास नॉर्वे से शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में फिनलैंड और स्वीडन में भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में नाटो के 13 देशों की सेनाएं शामिल हैं। 13 देशों के कुल 20,000 सैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ ही 5,000 टैंक और सैन्य वाहन भी हैं। इस युद्धाभ्यास में नाटो के नए सदस्य फिनलैंड के 4,000 सैनिक शामिल हैं। दूसरी ओर पोलैंड के सुवाल्की गैप में भी नाटो सेनाओं ने एक्सरसाइज ड्रैगन शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज में नाटो के 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनके साथ 3,500 टैंक और सैन्य वाहन मैदान में हैं। इस युद्धाभ्यास में भी 20,000 सैनिक गोला बारूद बरसा रहे हैं। सुवाल्की गैप में स्टेडफास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास का ही अगला चरण शुरू हो चुका है।
पोलैंड के पास सुवाल्की गैप के साथ साथ बाल्टिक देशों में भी नेटो सेनाएं पहुंचाई जा रही। जिस तरह नॉर्वे और पोलैंड में नेटो सेनाएं अचानक हमला करने का अभ्यास कर रही, उसी तरह बाल्टिक देशों में भी युद्ध अभ्यास होगा और फिनलैंड में भी नाटो सेनाएं वॉर ड्रिल करने वाली। एस्टोनिया और रूस की सीमा की कुल लंबाई 294 किलोमीटर है। इसके साथ सटे लातविया और रूस की सीमा 284 किलोमीटर है। फिनलैंड के साथ रूस की सीमा 1340 किलोमीटर है। इन्हीं देशों से रूस पर सीधे हमले किए जाने की आशंका है। रूस पर सीधे हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अमेरिका की एक और वायर रूस ने टैप की। रूस पर हमले की योजना बनाने से पहले पेंटागन ने ब्रिटेन को परमाणु जखीरा युद्ध के लिए तैयार रखने को कहा है। अमेरिका को आशंका है कि रूस सबसे पहले पलटवार ब्रिटेन पर करेगा। ब्रिटेन को जल थल नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु हथियार रेडी टू यूज मोड में रखने के लिए कहा गया है। दरअसल अमेरिका के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस पर हिरोशिमा जैसा हमला करके उसे सरेंडर को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय है कि रूस पर हमला अंतहीन परमाणु चेन रिएक्शन शुरू करा देगा। दूसरी स्थिति की आशंका सबसे ज्यादा डरावनी है क्योंकि पुतिन बीते हफ्ते ही ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध के लिए परमाणु हथियार तैयार है। Доказали, что вековая сплоченность и единство народа России, мы все граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, прерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения. Рус пар агар амарке таск-форс не сида хамла кия, то иска жаваб дене ки тайяри хо чуки.